दोस्तों आज के टाइम में लोग जितना फिल्मों को देखना पसंद नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा लोग गानों को सुनना काफी पसंद करते हैं, और यही कारण है कि आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी बॉलीवुड, हरियाणवी या फिर पंजाबी गानों के दीवाने हैं तो आपका कोई ना कोई फेवरेट सिंगर तो जरूर होगा, और साथ से आप भी अपने फेवरेट सिंगर के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते होंगे। तो दोस्तों इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 20 इंडियन मेल सिंगर के रियल लाइफ वाइफ को दिखाने और उनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ। सो ऐसे में अगर आप भी अपने फेवरेट सिंगर के वाइफ को देखना और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। नंबर 20, एआर रहमान। दोस्तों एआर रहमान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के काफी जाने माने सिंगर्स में से एक है। इन्होंने अब तक एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन सॉन्ग इस इंडस्ट्री को दिए है। वहीं बात करें इनके वाइफ के बारे में, तो असल जिंदगी में इनके पत्नी का नाम सायरा बानो है। सायरा बानो एक हाउस वाइफ है और एआर रहमान ने इनसे 1995 में ही शादी किए थे। नंबर 19, हनी सिंह। दोस्तों हनी सिंह को कई लोग यो हनी सिंह के नाम से भी काफी जानते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इनका फुल एंड रियल नाम हृदय सिंह है। दोस्तों वैसे तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक पंजाबी सॉन्ग से किए थे, लेकिन अब ये बॉलीवुड में भी काम करने लगे हैं। अगर बात करें इनके रियल लाइफ वाइफ के बारे में, तो इनके वाइफ का नाम शालिनी सिंह है। हनी सिंह ने इनसे 23 जनवरी 2011 में शादी किए थे। आपको बता दूं कि शालिनी एक मॉडल एंड एक्टर है। नंबर 18, हिमेश रेशमिया। दोस्तों हिमेश रेशमिया प्रोफेशन से एक सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर और एक्टर भी है। वही अगर इनके वाइफ के बारे में बात करें, तो इन्होंने अब तक टोटल 2 शादी की है। इनका पहला शादी 1995 में कोमल रेशमिया के साथ हुआ था, लेकिन किसी कारणवश 2017 में इनसे डिवोर्स हो गया। फिर 2018 में इन्होंने टीवी एंड फिल्म एक्ट्रेस सोनिया कपूर के साथ शादी की है, और अभी के समय में ये अपना जीवन इन्हीं के साथ खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 17, बादशाह। दोस्तों अगर आप लोग बचपन का प्यार, गेंदा फूल, गर्मी और डीजे वाले बाबू गाना सुने होंगे, तब तो आप बादशाह को अच्छी तरह से जानते होंगे। आपको बता दूं कि इनका फुल एंड रियल नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। वह इनके वाइफ के बारे में बात करें, तो असल जिंदगी में इनके पत्नी का नाम जैस्मिन मसीह है। आपको बता दूं कि जैस्मिन एप्पल कंपनी में एज ए स्पेशलिस्ट काम कर रही है, और बादशाह ने इनसे साल 2012 में शादी किए थे। नंबर 16, जस्सी गिल। दोस्तों जस्सी गिल एक पंजाबी सिंगर है, और इन्होंने अब तक निकले करंट, बापू जमींदार, नखरे और गिटार सिकदा के जैसे कई सुपरहिट गानों को गाए हुए हैं। वहीं इनके वाइफ के बारे में बात करें, तो इनके वाइफ का नाम रुपिंदर कौर गिल है। ये लोग एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से ही प्यार करते आ रहे थे, और फाइनली इन्होंने कुछ साल पहले ही शादी कर लिए हैं। नंबर 15, बी प्राक। दोस्तों बी प्राक का फुल नाम प्रतीक बच्चन है। इन्होंने अब तक फिलहाल दिल तोड़ के, तेरी मिट्टियां मिल जावा, बारिश की जाए और पछताओगा के जैसे कई सुपरहिट गानों को गाए हुए हैं। वहीं बी प्राक के वाइफ के बारे में बात करें, तो इनके वाइफ का नाम मीरा बच्चन है। इन्होंने इनसे 2019 में ही शादी किए थे। नंबर 14, टोनी काकड़। दोस्तों टोनी काकड़ को ज्यादा फेम और नेम इनके सिस्टर नेहा काकड़ के वजह से मिला है, क्योंकि नेहा काकड़ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की काफी जानी मानी सिंगर के साथ साथ एक्ट्रेस भी है। टोनी काकड़ का फुल एंड रियल नाम बिपिन काकड़ है, और इनका उम्र इस समय 38 वर्ष है। वह इनके वाइफ के बारे में बात करें, तो आपको बता दूं कि अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है और ये अनमैरिड है। नंबर 13, अरमान मलिक। दोस्तों अरमान मलिक बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम सिंगर में से एक है, और इन्होंने अब तक इस इंडस्ट्री को कई सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं, जिनमें से कुछ सॉन्ग का नाम है हुआ है आज पहली बार, दिल में हो तुम, वजह तुम हो, बोल दो ना जरा और भी कई सारे। वही अगर इनके वाइफ के बारे में बात करें, तो आपको बता दूं कि अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है। जी हाँ, अभी के टाइम में अरमान मलिक अनमैरिड एंड सिंगल है। नंबर 12, गुलजार छन्नीवाला। दोस्तों गुलजार छन्नीवाला का फुल एंड रियल नाम आशीष शर्मा है। ये ज्यादातर हरियाणवी सॉन्ग गाते हैं, और इनके सॉन्ग का इंतजार इनके फैंस काफी बेसब्री से करते हैं। वहीं गुलजार के रियल लाइफ वाइफ के बारे में बात करें, तो इनके वाइफ का नाम माही गौड़ है। इन्होंने इनसे इसी साल 18 फरवरी को शादी की है। आपको बता दूं कि माही एक एक्ट्रेस है। नंबर 11, रफ्तार। दोस्तों रफ्तार एक रैपर और सिंगर है। आपको बता दूं कि इनका फुल एंड रियल नाम दिलीन नायर है। वही अगर इनके वाइफ के बारे में बात करें, तो रफ्तार के पत्नी का नाम कोमल वोहरा है। कोमल एक इंटीरियर डिजाइनर है, और इन्होंने इनसे 1 दिसंबर को 2016 में शादी किए थे। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 10 की। सो नंबर 10 पर है हार्दिक संधु। दोस्तों हार्दिक संधु प्रोफेशन से एक सिंगर के साथ साथ एक्टर भी है। अगर इनके कुछ बेस्ट सॉन्ग की बात करें, सो है क्या बात है, ना, तितलिया, हॉर्न ब्लो और भी कई सारे। वह इनके वाइफ के बारे में बात करें, तो आपको बता दूं कि अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है, लेकिन अभी के टाइम में रिलेशनशिप में है। इस समय वे मॉडल और एक्स कैबिन क्रू जेनिथ सिद्धू के साथ रिलेशनशिप में, और उन्हीं को डेट कर रहे हैं।
नंबर 9 जसमाना के। दोस्तों जसमाना काफी जाने माने पंजाबी सिंगर है जिन्होंने लहंगा, प्राडा, तेरा मेरा विवाह, शॉपिंग और रब वांगू के जैसे कई बेहतरीन सॉन्ग में अपने मधुर आवाज को दिए हैं। जसमाना का उम्र इस समय 22 वर्ष है और ये बिलोंग करते हैं पंजाब के जलंधर से। वही इनके वाइफ के बारे में बात करें तो इस समय ये अनमैरिड है और अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है। नंबर 8 अंकित तिवारी। दोस्तों अंकित तिवारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के काफी जाने माने सिंगर्स में से एक है और इन्होंने तक इस इंडस्ट्री को कई बेस्ट सॉन्ग दिए हैं, जैसे कि सुन रहा है, तेरी गलिया, सनम तेरी कसम, प्यार दे और याद है। वह इनके वाइफ के बारे में बात करें तो अंकित तिवारी के रियल लाइफ में वाइफ का नाम पल्लवी शुक्ला है। पल्लवी एक मैकेनिकल इंजीनियर है और इन्होंने इनसे 2018 में शादी किए थे। नंबर 7 मोहित चौहान। दोस्तों मोहित चौहान ज्यादातर अपनी मधुर आवाज को हिंदी गानों के लिए देते हैं। वहीं इनके पत्नी के बारे में बात करें तो रियल लाइफ में इनके वाइफ का नाम प्रार्थना गहलोत है। मोहित चौहान ने इनसे 2012 में शादी किए थे। नंबर 6 अखिल। दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा भी पंजाबी गानों को सुनना पसंद करते होंगे तब तो आप अखिल को अच्छी तरह से जानते होंगे। अखिल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के काफी जाने माने सिंगर है। आपको बता दूं कि इन्होंने अब तक ख्वाब, बचा लो, रंग गोरा, जिंदगी और गन्नी के जैसे कई सुपरहिट सॉन्ग गाए हुए हैं। वही अगर अखिल के वाइफ के बारे में बात करें तो अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है और ये अनमैरिड है। नंबर 5 गुरु रंधावा। दोस्तों गुरु रंधावा को तो आज इंडिया के बच्चा बच्चा तक जानता है, लेकिन आप में से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इनके रियल नाम को जानते होंगे। सो आपको बता दूं कि गुरु का रियल नाम गुरु शरण जोत सिंह रंधावा है और इस समय में इनका उम्र 30 वर्ष है और ये बिलोंग करते हैं गुरदासपुर पंजाब से। वहीं इनके वाइफ के बारे में बात करें तो इस समय अनमैरिड है और अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है। नंबर 4 दर्शन रावल। दोस्तों दर्शन रावल अभी के समय में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के काफी जाने माने सिंगर के साथ साथ मोस्ट हैंडसम सिंगर में से भी एक है। इन्होंने अब तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन सॉन्ग दिए हैं, जिनमें से कुछ सॉन्ग का नाम है हवा बनके, भुला दूंगा, तेरा जिक्र, तू मिलिया और यारा तेरी आड़ी। वह इनके वाइफ के बारे में बात करे तो इस समय दर्शन रावल का शादी नहीं हुआ है, इस समय अनमैरिड है। नंबर 3 आतिफ असलम। दोस्तों दिल मेरी ना सुने, दिल दिया गल्ला, देखते देखते, तेरे संग यारा, ओ साथी और इसी के जैसे कई सुपरहिट गानों में अपनी मधुर आवाज को देने वाले आतिफ असलम के अगर रियल लाइफ वाइफ के बारे में बात करें तो इनके वाइफ का नाम सारा भरवाना है। इन्होंने सारा भरवाना से 2013 में शादी किए थे। और हाँ दोस्तों आपको यही बता दूं कि आतिफ असलम भले ही इंडिया के लिए गाना गाते हैं लेकिन ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 12 मार्च 1983 को पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। नंबर 2 जुबिन नौटियाल। दोस्तों जुबिन नौटियाल इस समय के उभरते हुए सिंगर है। एक समय था जब इनको इंडियन आइडल से रिजेक्ट किया गया था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से कुछ समय पहले उसी इंडियन आइडल में एक जज बनकर गए थे और आज इंडिया के हर लोग इनके गाने को सुनना काफी पसंद करते हैं। अगर जुबिन के वाइफ के बारे में बात करें तो इस समय अनमैरिड है और किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले इनके और टीवी एक्ट्रेस कृतिका कमरा की अफेयर की चर्चा सुर्खियों में आई थी, लेकिन यह चर्चा सिर्फ एक अफवाह थी और अभी के समय में जुबिन नौटियाल सिंगल है। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 1 की। सो दोस्तों नंबर 1 पर है अरिजीत सिंह। आज अरिजीत सिंह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे नंबर 1 सिंगर में आते हैं। इन्होंने अब तक टोटल 500 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज को दी है, जिनमें से हिंदी, बंगाली और तेलुगु की भाषाओं का भी गाना शामिल है। वही अगर अरिजीत सिंह के वाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अब तक टोटल 2 शादी किए है। इनका पहला शादी 2013 में रूपरेखा बनर्जी के साथ हुआ था, लेकिन किसी कारणवश एक ही साल के अंदर इनसे अलग हो गए। फिर 2014 में इन्होंने अपने बचपन की गर्लफ्रेंड कोयल राय सिंह के साथ शादी की और अभी के समय में ये अपना जीवन इन्हीं के साथ खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। सो दोस्तों यही थे टॉप 20 इंडियन मेल सिंगर के रियल लाइफ वाइफ। वैसे इनमें से आपका फेवरेट सिंगर कौन है और आपको किनका जोड़ी अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।